छात्रों सभी को मेरा शुभाशीष। मेरा नाम एन गुरवैया, मैं JPHS पैदागुंडेवली के हिंदी अध्यापक हूँ। बच्चों आप कैसे हैं, सभी कुशल हैं ना? आज हम कारक पाठ सीखेंगे। आपको पता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में वाक्यों में उपयोग की जाने वाले कारक के 8 भेद हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक और 8 संबोधन कारक। इनमें पहले 4 कारकों के बारे में पिछले वीडियो कारक पाठ 1 में आप विभक्ति चिन्हों के साथ सीख चुके थे। इस पाठ में हम अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक इन 4 कारकों की परिभाषा और इन कारकों के चिन्ह उदाहरण सहित सीखेंगे। अपादान कारक उदाहरण, पेड़ से आम गिरा, गोविंद पढ़ाई में सबसे आगे हैं, संगीता घर से चल पड़ी। इन वाक्यों में एक का दूसरी से अलग होने की बोध होता है। पहले वाक्य में पेड़ से आम अलग होती हैं, गोविंद पढ़ाई में सबसे अलग हैं, संगीता घर से निकलकर घर से अलग हुई। इन वाक्यों में एक का दूसरे से अलग होने की बोध होता है। इनमें अपादान कारक है। अपादान कारक की परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना बोध होता है वह अपादान कारक कहलाता है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। यहाँ से का मतलब किसी चीज़ से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। अपादान कारक के कुछ अन्य उदाहरण, मुझे भालू से डर लगता है, सांप बिल से बाहर निकला, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, आसमान से बिजली गिरती है, वह घर से पाठशाला की ओर भाग रहा है। संबंध कारक उदाहरण, यह गंगाराम का बेटा है, यह राहुल की किताब है, यह कमला की गाय है। इन वाक्यों में एक के साथ दूसरे का संबंध का बोध होता है। गंगाराम का उसके बेटे से, राहुल की उसकी किताब से, कमला की उसकी गाय से संबंध मालूम होता है। संबंध कारक की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। विभक्ति चिन्ह क्या हैं?
संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का खे की। संबंध कारक के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। वह राम का बेटा है, यह सुरेश की बहन है, सीतापुर मोहन का गांव है, यह गाड़ी विकास की है, यह नरेश का भाई है। अधिकरण कारक उदाहरण, पानी में मछली रहती है। इस वाक्य में हमें बोध होता है कि मछली के आधार पानी है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, भंवरों का आधार फूल है। कमरे में टीवी रखा है, टीवी कमरे में रखा हुआ है, बोले तो टीवी का आधार कमरा है। तो किसी वस्तु का आधार हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अधिकरण कारक की परिभाषा, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह में पर अधिकरण कारक के कुछ अन्य उदाहरण। महल में दीपक जल रहा है, मुझ पर विश्वास रखो, पेड़ पर पक्षी है, वह पहाड़ों के बीच में है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। संबोधन कारक उदाहरण, अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ, अजी यह क्या हो रहा है। अरे भैया, हे गोपाल, अजी कहकर किसी को पुकारने की बात पता चलता है ना, तो इस प्रकार पुकारने को हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की परिभाषा, जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के साथ संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अन्य उदाहरण देखेंगे। अरे रमेश तुम यहाँ कैसे, अजी सुनते हो क्या। अरे राम बहुत बुरा हुआ। अरे बच्चों शोर मत करो। हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना। सभी कारकों के चिन्ह वाक्य के बीच में आते हैं, लेकिन संबोधन कारक के चिन्ह वाक्य में पहला आता है। बच्चों इस पाठ में हम अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, इन चार कारकों की परिभाषा, इन कारकों के चिन्ह और उदाहरण सीख चुके हैं। धन्यवाद।